हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम गार्ड लाइट। सो ये है फोर्ड इको स्पोर्ट का फुली फीचर रिच टॉप एंड टाइटेनियम एस वेरिएंट एंड हम शेयर करने वाले हैं इसका मोस्ट डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। एंड वेलकम टू टीम गार्ड लाइट गाइज, जहाँ पे आपको मिलता है मोस्ट डिटेल एंड एक्यूरेट कंटेंट एंड रिव्यूज़। सो बेसिकली फोर्ड इको स्पोर्ट आज भी बहुत ही ज़्यादा कैपेबल व्हीकल है। यहाँ पे आपको 550 mm की वाटर वेडिंग मिल जाती है एंड इसी के साथ यहाँ पे जो सस्पेंशन सेटअप दिया गया दैट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। बहुत ही बैलेंस सस्पेंशन सेटअप मिलता है यहाँ पे आपको। हाई स्पीड स्टेबिलिटी एक्सलेंट मिलती है, ड्राइवेबिलिटी एक्सलेंट दी गई है, बहुत ही कम्युनिकेटिव यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील भी अवेलेबल है। सो हम शेयर करने वाले इसका डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। यहाँ पे हम सर्विस कॉस्ट, एवरेज मंथली सेल, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कंपैरिजन, ऑन रोड प्राइस, हर एक डिटेल के बारे में बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ तरीके से बात करने वाले हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे एंड इस वीडियो को फटाफट से लाइक भी कर दे। सो गाइज, ये है फोर्ड इको स्पोर्ट की फ्रंट लुक एंड राइट ऑफ फ्रंट यहाँ पे आपको कुछ ऐसे हेडलैम्प मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पे स्मोक टाइप फिनिश दी गई है। दीज आर फुल HID हेडलैम्प विद LED डेटम रनिंग लाइट्स। यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन, होम सेफ लैम्प फंक्शन भी आपको मिल जाता है। साथ में ये जो प्रोजेक्टर दिया गया है, जो लो बीम आपको मिलेगी दैट इज प्रोजेक्टर। यहाँ पे आपको जो हाई बीम मिलती है दैट इज रिफ्लेक्टर। यहाँ पे आपको फॉग लैम्प मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स अवेलेबल है। एंड इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक फिनिश मिलेगी। जो फ्रंट ग्रिल भी दी गई है उसमें भी ब्लैक फिनिश एंड ग्लॉसी ग्रे सेंट्स मिलते हैं। इवन जो स्किट प्लेट भी है वो भी आपको ब्लैक फिनिश में मिलेगी और जो आपको रूफ है वो भी ब्लैक फिनिश में मिलती है। रूफ रेल्स भी ब्लैक कलर की दी गई है। सो काइंड ऑफ ये बहुत ही स्पोर्टी मॉडल दिया गया जिसमें आपको इंटीरियर्स भी ऑल ब्लैक फिनिश में मिलेंगे। सो ये काफ़ी काइंड ऑफ स्पोर्टी ट्रिम आपको मिल जाता है एंड दिस इज़ द साइड प्रोफाइल। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी ओवरऑल स्टांस मिलता है। काफ़ी एटीट्यूड जो है कार का वो भी बहुत ही स्पोर्टी दिया गया। सो यहाँ पे साइड बॉडी क्लैडिंग अवेलेबल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साइड बॉडी क्लैडिंग मिलती है। व्हील आर जस्ट स्लाइडिंग गाइस, यहाँ पे आप बाद में एज एन एसेसरी इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड दीज आर अलॉय व्हील्स। सो 16 इंचेस के यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं एंड दीज आर 205/60 प्रोफाइल टायर्स। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलती है, रियर में ड्रम ब्रेक्स दी गई है। सस्पेंशन सेटअप आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर विंग मिरर्स। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, इसके ठीक नीचे पर लैम्प दिया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बिग साइज ब्लैक कलर रूफ रेल्स, ग्लॉसी ब्लैक रूफ, सनरूफ आपको मिल जाती है। रियर में क्वार्टर ग्लास अवेलेबल है। एंड अगर कार यहाँ पे अनलॉक्ड है तो हम इसको फ्यूल लिड को एज इट इज़ ओपन कर सकते हैं। ये आपको प्लास्टिक का मिलता है, इट इज़ नॉट इन मेटल। कार अगर लॉक्ड है तो ये भी लॉक हो जाता है। और ये है रियर प्रोफाइल। सो आपको यहाँ पे स्पेयर टायर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं विदाउट स्पेयर टायर वाले वेरियंट तो आप वहाँ पे SE वेरियंट भी ले सकते हैं। सो आपको फुल साइज अलॉय स्पेयर टायर मिलता है। सो ये 16 इंचेस का दिया गया, सेम साइज 205/60 प्रोफाइल टायर। रियर में यहाँ पे वाइपर अवेलेबल है, आपको डिफॉगर मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर टेल लैम्प विच आर इन नॉर्मल कन्वेंशनल टेल लैम्प। टाइटेनियम एस की बैजिंग। रियर में 4 सेंसर्स अवेलेबल है एंड यहाँ पे लाइसेंस प्लेट की लाइट्स आपको हेलोजन में मिलेंगी। और इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है रिवर्सिंग लाइट, साथ में रिफ्लेक्टर। एंड ओपन करते हैं बूट को तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनिंग दी गई है। बटन प्रेस करेंगे टेलगेट ओपन हो जाएगा। सो ये है टोटल 352 लीटर्स ऑफ कार्गो एरिया। इवन जो ट्राइवल कार्स का आपको बूट स्पेस मिलता है उसका कंप्लीट कंपैरिजन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक पार्सल ट्रे मिल जाती है। यहाँ पे एक ग्रॉसरी हुक अवेलेबल है। आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी ग्रॉसरी हुक मिलेगा, साथ में एक लगेज लैम्प दिया गया है। एंड यहाँ पे जो आपको ट्रे मिलती है दोस्तों ये एडजस्टेबल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हुक्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं। सेकेंड आपको यहाँ पे मिलता है, थर्ड आप चाहें तो यहाँ पे आप स्लाइड कर सकते हैं। सो काइंड ऑफ यहाँ पे आपको 2 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नीचे कुछ ऐसा प्लेस करना चाहते हैं, ऊपर डिफरेंट प्लेस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सो ये आपको टॉप मॉडल में ही मिलता है। इसे कहते हैं फोर्ड कार्गो मैनेजमेंट सिस्टम। एंड फर्दर मोर इसको अगर हम रिमूव कर दें यहाँ से तो हम सीट्स को फोल्ड डाउन कर सकते हैं। सो यहाँ पे 60-40 स्प्लिट फंक्शन दिया गया है। तो इसको हम डाउन करें तो दिस इज़ 40% पार्ट। और यहाँ पे आपको चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स भी मिल जाते हैं एंड दिस इज 60% पार्ट। और ये है टोटल कार्गो एरिया ऑफ 1178 लीटर्स। अब इसको भी क्लोज कर देते हैं एंड अब बात करते हैं गाइज अदर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड कंपैरिजन के बारे में। एंड गाइज पेट्रोल एंड डीजल फोर्ड इको स्पोर्ट की सर्विस कॉस्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर अप टू 10 ईयर्स। कॉम्पैक्ट SUV की जो एवरेज मंथली सेल है उसकी डिटेल्स गाइज आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन बिटवीन ऑल द कॉम्पैक्ट SUVs। सो डायमेंशन कंपैरिजन, साथ में फोर्ड इको स्पोर्ट का बूट स्पेस है 352 लीटर्स, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 52 लीटर, ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm,
टर्निंग रेडियस 5.3 मीटर्स एंड कर्व वेट 1188 केजी से लेके 1309 केजी। सो बेसिकली यहाँ पे आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, और यहाँ पे अगर आप ऑटोमेटिक ट्रिम लेते हैं तो वहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन भी अवेलेबल है। अदर फीचर्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एंड फर्दर मोर दोस्तों, अगर आप ये कार परचेज करने जाते हैं तो आपको 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, विच इज़ कैनियन रिज, लाइटनिंग ब्लू, डायमंड वाइट, मोंडस सिल्वर, रेस रेड, एब्सोल्यूट ब्लैक एंड स्मोक ग्रे कलर। ऑल्सो यहाँ पे 3 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी अवेलेबल है, जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू 5 ईयर्स, एंड रोड साइड असिस्टेंस भी आप बाद में परचेज कर सकते हैं। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं, दे आर सुपर एफिशिएंट, और हर एक वेरिएंट का जो गाइस कर वेट आपको मिलता है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एंड दोस्तों, अब ओपन करते हैं बोनेट को, बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। ऑल्सो फोर्ड इको स्पोर्ट इज अ फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल, बट इट इज़ एक्सट्रीमली कैपेबल। यहाँ पे आप बहुत ही इजीली सॉफ्ट रोडिंग भी कर सकते हैं फोर्ड इको स्पोर्ट में, और एक्सयूवी 300 में दोनों ही बहुत ही कैपेबल हैं। ऑल्सो फोर्ड इको स्पोर्ट में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है विद मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन विद ओनली मैनुअल गियर बॉक्स। टॉप एंड मॉडल में सिर्फ आपको मिलता है पेट्रोल मैनुअल एंड डीजल मैनुअल, यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन टॉप एंड मॉडल में नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साउंड एंडिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया है, यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरबॉडी इंजन गार्ड अवेलेबल नहीं है, सो अंडरबॉडी इंजन गार्ड बेसिकली आपको डीजल में ही मिलता है, पेट्रोल में यहाँ पे नहीं दिया गया। बाद में चाहें तो इंस्टॉल करवा सकते हैं, बट आपको यहाँ पे कंप्लीट अंडरबॉडी मड गार्ड मिल जाता है। अप्रोच एंगल एंड डिपार्चर एंगल भी काफ़ी बढ़िया दिया गया। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट इज 1.5 लीटर TDCI 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो जनरेट करता है 99 bhp ऑफ पावर एंड 215 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा, और इसकी ARAI सर्टिफाइड माइलेज है 21.7 kmpl। और सेकेंड इंजन है 1.5 लीटर TIVCT 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, एंड ये जनरेट करता है 121 bhp ऑफ पावर एंड 149 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाएगा। मैनुअल की माइलेज है 15.9 kmpl, ऑटोमेटिक की आपको मिलती है 14.7 kmpl। और गाइस, यहाँ पे आपको कोई भी 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं मिलता। एंड दोस्तों, बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में। सो फ्रंट सीट्स में जो इंग्रेस एंड एग्रेस है दैट इज सुपर इजी, एंड दीज आर द फ्रंट सीट्स। यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो फ्रंट सीट्स इस सेगमेंट के SUVs में मोस्टली सब में ही कंफर्टेबल मिलती है, एंड इधर भी सुप्रीमली कंफर्टेबल दी गई है। मेरी हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 5'11". आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो अंडर थाई सपोर्ट मिलता है दैट इज़ फैबुलस। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट अवेलेबल है। यहाँ पे साइड बॉसेस काफ़ी बिग साइज़ के दिए गए हैं, जो लोअर बैक सपोर्ट है, अपर बैक सपोर्ट है, वो भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा, एंड शोल्डर सपोर्ट भी आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। हेडरेस्ट भी यहाँ पे ठीक ठाक दी गई है। ड्राइविंग पोजीशन यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है, जब आप कार को यहाँ पे ड्राइव कर रहे होंगे तो बोनट थोड़ा बहुत विजिबल रहेगा। विंग मिरर्स भी काफ़ी बिग साइज़ के दिए गए हैं, तो ऐसा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। सो येस, डेफिनेटली जो फ्रंट सीट्स हैं दे आर एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल एंड वेरी गुड। अब बात करते हैं रियर सीट्स के बारे में। सो रियर का जो डोर का ओपनिंग एपिचर है वो आपको ठीक ठाक मिल जाता है यहाँ पे, एंड आप देख सकते हैं ईजी इनरेस एंड एग्रेस हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो दोस्तों, ये है रियर सीट्स। जो फ्रंट सीट्स दी गई है वो स्कूप्ड आउट है, यानी कि थोड़ा इसको अंदर करा गया, जिस वजह से जो लेग रूम है वो काफ़ी बढ़िया मेरे को मिल जाता है। 6 feet का पर्सन भी यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। सनरूफ यहाँ पे दी गई, जिस वजह से रूफ थोड़ी नीचे है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो आप देख सकते हैं रूफ यहाँ पे स्कूप्ड आउट दी गई है, जिस वजह से जो हेडरूम है मेरे को ठीक ठाक मिल जाता है। लगभग 2-3 inches यहाँ पे दिया गया, यानी कि 6 feet का पर्सन जो है वो यहाँ पे कंफर्टेबल रहेगा। 6'1" and 6'2" को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो रियर सीट्स में हेडरूम एंड लेगरूम आपको मिलता है दैट इज़ परफेक्ट।
यहाँ पे सेंटर में आर्मरेस्ट अवेलेबल है। लोअर मॉडल लेते हैं तो आप बाद में 5500 में आर्मरेस्ट इंस्टॉल करवा सकते हैं फ्रॉम एनी एसेसरी स्टोर। और इसी के साथ यहाँ पे जो आर्मरेस्ट दी गई है, आर्मरेस्ट भी कुशन आपको मिलता है तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड अगेन आप अगर लोअर मॉडल लेते हैं तो ऐसा कुशन आप हर एक आर्मरेस्ट में 1500 में इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट मिलता है मेरे को वो बहुत ही बढ़िया दिया गया है। जो रियर रिक्लाइन एंगल है वो भी काफ़ी बढ़िया दिया गया है। मोस्ट ऑफ द एसयूवी से, यानी कि मोस्ट ऑफ द कॉम्पैक्ट एसयूवी से, ये जो रियर सीट्स है ये बहुत ही कंफर्टेबल मिलती है। किया सोनेट से ज़्यादा कंफर्टेबल दी गई है, उससे ज़्यादा यहाँ पे स्पेस मिलता है। आप देख सकते हैं विंडोज़ भी यहाँ पे बहुत ही बिग साइज़ की हैं और ओवरऑल जो कैबिन का व्यू है वो भी हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। सो फ्रंट एंड रियर सीट्स यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल आपको मिलेगी। इवन अगर आप यहाँ पे क्रेटा या सेल्टोस से कंपेयर करें तो वहाँ पे भी एट पार दी गई है फ्रंट एंड रियर सीट्स। सो स्पेस एंड कम्फर्ट के डिपार्टमेंट में फोर्ड इकोस्पोर्ट इज़ 10 out of 10। एंड गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक जो ये स्मॉल मिरर दिया गया, इट्स कॉन्वेक्स मिरर जो कि आपको एज अ ब्लाइंड स्पॉट वर्क करता है, यानी कि वाइडर व्यू देगा कम्पेयर टू दिस मिरर। सो गाइज आपको यहाँ पे कुछ ऐसी कीज़ मिल जाती है, ये है फोर्ड की स्मार्ट की विद लॉक एंड अनलॉक स्विच। टेलगेट स्विच आपको यहाँ पे नहीं मिलता। सो बेसिकली अगर हम कार को यहाँ पे लॉक करते हैं तो विंग मिरर्स ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएंगे एंड ये पडल लैम्प क्लोज हो जाता है। अनलॉक करेंगे तो पडल लैम्प ग्लो करेगा एंड विंग मिरर्स ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पे स्मार्ट पैसिव कीलेस एंट्री अवेलेबल है विच इज़ सुपर कन्वीनियंट। यहाँ पे भी आपको मिल जाती है, को ड्राइवर साइड भी दी गई है। सो जो कीज़ है फॉर एग्जांपल हमारे विसिनिटी में पॉकेट में है एंड वी हैव टू अनलॉक द कार और लॉक द कार। अगर आपको लॉक करना है तो जस्ट आप ऐसे टैप करेंगे तो कार लॉक हो जाएगी एंड अनलॉक करना है तो जस्ट आप डोर हैंडल को ऐसे होल्ड करेंगे तो कार अनलॉक हो जाएगी एंड इट इज़ सुप्रीमली कन्वीनियंट। सो कीज़ को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेसेस। कीज़ को आप यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, इंजन पुश स्टार्ट बटन। और गाइज ये है टॉप एंड वेरिएंट का डैशबोर्ड। सो इंटीरियर्स इस टॉप एंड वेरिएंट के आपको स्लाइटली डिफरेंट मिलेंगे। ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम यहाँ पे यूज़ करा गया है विद कॉन्ट्रास्टिंग ऑरेंज स्टिचिंग विच इज़ क्वाइट स्पोर्टी। सो यहाँ पे आपको ऑरेंज स्टिचिंग मिलती है, यहाँ पे ऑरेंज एसेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे ऑरेंज एसेंट्स मिलेंगे जो कि मैट ऑरेंज एसेंट्स है। यहाँ पे भी ऑरेंज एसेंट्स आपको मिल जाते हैं, सेम गोज़ विद हेयर। सो अटेंशन टू डिटेल यहाँ पे काफ़ी बढ़िया दी गई है एंड जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है वो भी आपको बहुत ही एक्सेलेंट मिलती है। हार्डली कोई कॉस्ट कटिंग यहाँ पे करी गई है। सारी कंट्रोल्स गए, सारी पावर विंडो कंट्रोल्स, ये कंट्रोल्स, इवन जो सनरूफ का कंट्रोल है, रियर पावर विंडो कंट्रोल्स है, सारी मिलते हैं आपको इल्यूमिनेटेड। सो हार्डली आप कोई कॉस्ट कटिंग यहाँ पे नोटिस करेंगे। यहाँ पे वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ अवेलेबल है एंड जो सनरूफ है वो इतनी ही ओपन होती है, यू कैन सी। क्लोज कर देते हैं और ये है फुल लेदर सीट अपॉल्स्ट्री। सो साइड्स पे आपको लेदर मिलता है, सेंटर में फैब्रिक दिया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज ये इतने ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होने देता एंड समर्स में ज़्यादा हीट अप नहीं होता फैब्रिक। सो साइड्स पे आपको लेदर मिलता है एंड दीज आर द रियर सीट्स। काफ़ी स्पेशियस आपको कैबिन मिलेगा, रियर विंडोज़ भी बिग साइज़ की दी गई है। यहाँ पे 6 ईयर बैग्स अवेलेबल हैं। दिस इज़ द फ्रंट डोर। यहाँ पे स्पीकर अवेलेबल है, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिलता है, यहाँ पे भी एक और बॉटल होल्डर स्पेस दी गई है। यहाँ पे कंप्लीट लेदर पैड आपको मिलेगा, ऑल 4 पावर विंडोज, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन एंड ऑटो अप भी मिलता है विद एंटी पिंच फंक्शन। इसी के साथ सारी कंट्रोल्स एल्यूमिनेटेड मिलेंगे। यहाँ पे क्रोम फिनिश दी गई है एंड दीज आर विंग मिरर कंट्रोल्स। पावर डोर लॉक स्विच आपको मिल जाता है, यहाँ पे ट्विटर अवेलेबल है। देन यहाँ पे आपको इनसाइड डोर हैंडल ब्लैक कलर का मिलेगा इस मॉडल में। स्पीकर्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट एंड यहाँ पे जो आपको पेडल्स मिलते हैं दे आर स्पोर्टी पेडल्स। सो अलॉय स्पोर्टी पेडल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, साथ में क्लच फुटरेस्ट अवेलेबल है एंड देन यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है जो कि फ्रंट फुटवेल पे ही दी गई है सिर्फ। यहाँ पे कुछ और स्टोरेज एरिया मिल जाएगा, इसके पीछे आपको OBD बॉक्स, इन्फ्यूज बॉक्स मिलता है। दीज आर कंट्रोल्स फॉर लाइटनिंग, यानी कि ये हेडलैम्प कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये है हेडलैम्प लेवलर एंड यहाँ पे आपको मिलता है फॉग लैम्प कंट्रोल। साथ में यहाँ से ओवरऑल जो कैबिन की इल्यूमिनेशन है हम उसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं ओवरऑल जो कैबिन की इल्यूमिनेशन है वहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं एंड एम्बिएंट लाइटिंग यू कैन सी इट इज़ लुकिंग स्टनिंग। एंड अब इस डोर को भी क्लोज कर देते हैं। सो गाइस ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक। लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे MID कंट्रोल्स मिलेंगे, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल्स दिए गए हैं, दीज आर ऑडियो कंट्रोल्स एंड ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स। और यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स दिए गए हैं और यहाँ पे एडजस्टमेंट भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे हमें टेल एडजस्टमेंट मिलती है, टेलीस्कोपिक भी दी गई है राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट एंड काफ़ी हाई क्वालिटी यहाँ पे स्विचेस का यूज़ करा गया। एवरीथिंग फील सो नाइस टू टच एंड होल्ड।
लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड दिस इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बिग साइज की यहाँ पे आपको MID स्क्रीन मिल जाती है दोस्तों। सो यहाँ पे डिजिटल लाइव स्पीड भी डिस्प्ले होती है, साथ में आप चाहें तो यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी डिस्प्ले करवा सकते हैं, यहाँ पे ट्रिप कंप्यूटर या फिर ऑडियो का डिस्प्ले आपको मिल जाता है। एंड आप अगर यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते तो यहाँ पे आप काम स्क्रीन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, जो आपने ऑडियो प्ले करनी है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी गाइस। किसी का कॉल आ रहा है या फिर आप किसी को कॉल करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। आउट से टेम्परेचर डिस्प्ले मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे कुछ सेटिंग दी गई है, यहाँ पे कुछ डिस्प्ले सेटिंग मिल जाती है। लैंग्वेज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन मेजरमेंट यूनिट किलोमीटर्स पर लीटर से लीटर पर 100 किलोमीटर कर सकते हैं, टेम्परेचर यूनिट को चेंज कर सकते हैं, टायर प्रेशर यूनिट को आप चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स अवेलेबल हैं। देन ड्राइवर असिस्टेंस, हिल होल्ड असिस्ट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं गाइज। व्हीकल सेटिंग, सो यहाँ पे भी आपको बेसिक सेटिंग मिल जाती है गाइज। एज यू कैन सी लाइटनिंग सेटअप आपको मिल जाएगा, हेडलैम्प डिले यानी कि फॉलो मी एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन को आप कितना चाहते हैं लॉन्ग चले तो वो भी आप उसके सेकंड सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं ऑटो डोर लॉक हो या फिर ना हो तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो बेसिक सेटिंग मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं विंग मिरर्स ऑटो फोल्डिंग ना हो तो उसको भी आप ऑफ कर सकते हैं। सेम गोज विद वाइपर्स। सो यहाँ पे बेसिक सेटिंग अवेलेबल है। इसी के साथ गाइज यहाँ पे डिस्टेंस टू MT भी डिस्प्ले होता है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, इंजन रनिंग टाइम। एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दो हमें ट्रिप कंप्यूटर मिल जाते हैं। आप चाहें तो इनकी वैल्यूज को रीसेट कर सकते हैं एंड कॉन्फिगर भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे ट्रिप ओडोमीटर यानी टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, ट्रिप टाइमर आपको मिल जाता है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, साथ में एवरेज स्पीड। आप चाहते हैं अगर एवरेज स्पीड डिस्प्ले ना हो तो उसे अनसेलेक्ट कर देते हैं। देन डिस्टेंस टू MT अगर हम चाहते हैं डिस्प्ले हो तो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन एंड सो ऑन। और यहाँ पे इंजन ऑयल रिमाइंडर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और सेंटर में यहाँ पे देखेंगे तो गाइज एक आपको सब वूफर मिलेगा और ये है इन्फोटेनमेंट सिस्टम। इन्फोटेनमेंट सिस्टम के साथ गाइज यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स, 2 फ्रंट वेटर्स मिलते हैं, 1 सब वूफर मिलेगा। इसका साउंड चेक हम ऑलरेडी कर चुके हैं अदर वीडियो में, तो हम यहाँ पे दोबारा नहीं करेंगे। एंड बाकी यहाँ पे इन्फोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली ये है 8 इंचेस का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम विच इज़ सुपर रिस्पॉन्सिव विदाउट इवन प्रॉपर टचिंग। यहाँ पे ये बहुत ही जल्दी टच को कैच कर जाता है। सो ये सपोर्ट करता है गाइज रेडियो, ब्लूटूथ, साथ में यहाँ पे आपको एप्पल कार प्ले मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है। इनबिल्ट नेविगेशन अवेलेबल नहीं है तो आप इनबिल्ट नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं वाया एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो। साथ में USB रेडियो, वॉइस कमांड आपको मिल जाता है, पॉडकास्टिंग 3 अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको मल्टीपल सेटिंग मिलेगी गाइस, साउंड की सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, देन यहाँ पे क्लॉक सेटिंग, ब्लूटूथ सेटिंग, ऑटोमेटिकली अपडेट भी आ जाएगा यहाँ पे, व्हीकल सेटिंग्स, सो कैमरा आप सेटिंग कर सकते हैं। एंड वैले मोड आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप अपनी कार अगर वैले को देते हैं तो वो बहुत ही लिमिटेड फीचर्स को एक्सेस कर सकता है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर। देन यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, सो यू कैन सी यहाँ पे टोटल 7 कलर एम्बिएंट लाइट अवेलेबल है, आईसी ब्लू, ऑरेंज, सॉफ्ट ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल। यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग मिल जाती है, डे मोड, नाइट मोड, ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन। यहाँ पे आप वाईफाई भी इवन कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके ठीक नीचे यहाँ पे फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलेगा। आप AC के फ़ैन को एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट उसका ग्राफिकल फॉर्मेट में डिस्प्ले मिल जाता है, विच लुक्स क्वाइट नाइस। हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे 29.5 मिलेगा, लोएस्ट दिया गया है यहाँ पे 15.5, एंड लोएस्ट इससे लोएस्ट आपको कहीं पे भी मतलब नहीं मिलता इस सेगमेंट में। AC की एफिशिएंसी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया दी गई है, थ्रू आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है, बट रियर AC वेंट अवेलेबल नहीं है। रियर AC वेंट होता तो कैबिन और भी जल्दी कूल हो जाता, लेकिन ओवरऑल AC काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट दिया गया है। यहाँ पे आपको मैक्स AC का ऑप्शन मिलता है, तो कैबिन आप अगर फटाफट कूल करना चाहते हैं तो आप इसे जस्ट हिट कर सकते हैं। देन यहाँ पे गाइज आपको ट्विन USB पोर्ट मिलते हैं विच आर इल्यूमिनेटेड, यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट, यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है तो यू कैन स्लाइड योर स्मार्टफोन। और रिवर्स गियर स्लॉट करते हैं तो ये है रियर व्यू कैमरा, एंड गाइडलाइंस आर अडैप्टिव, सो आपको अडैप्टिव गाइडलाइंस मिल जाएंगी। साथ में यहाँ पे आपको सेंसर्स का डिस्प्ले मिलता है। और यहाँ पे मल्टीपल स्टोरेज एरियाज अवेलेबल है अगेन। और यहाँ पे जो आपको आर्मरेस्ट मिलती है, इट इज़ कुशन आर्मरेस्ट, स्लाइडिंग नहीं दी गई, फिक्स आर्मरेस्ट ही आपको मिलेगी। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाता है, यहाँ पे काफ़ी डीप दिया गया है, वाइड नहीं मिलता, बहुत ही डीप स्टोरेज एरिया मिल जाता है। यहाँ पे पेन होल्डर, और यहाँ पे भी कुछ और स्टोरेज स्पेस दिया गया है, तो वी कैन प्लेस द स्मार्टफोन, यहाँ पे भी आप अपना फ़ोन प्लेस कर सकते हैं।
देन यहाँ पे आपको बिग साइज ग्लव बॉक्स मिलेगा विच इज़ एल्यूमिनेटेड। यहाँ पे भी कुछ स्पेस मिलता है विद पेन होल्डर, यहाँ पे भी दिया गया है टैबलेट होल्डर। यहाँ पे देखते हैं तो वैनिटी मिरर विद मैनुअल लैम्प और यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM सनरूफ कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाता है दोस्तों। और यहाँ पे सनग्लास होल्डर अवेलेबल है एंड देन यहाँ पे आपको 3 कैबिन लैम्प्स मिल जाते हैं। और अब चेक करते हैं रियर सीट्स। कोई भी यहाँ पे डोर ओपन होता है तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिलता है, अगर यहाँ पे बूट ओपन होता है तो उसका रिमाइंडर भी हमें मिलेगा, बट अगर यहाँ पे हम ओपन करते हैं बोनेट को तो उसका रिमाइंडर हमें यहाँ पे नहीं मिलता। अदर देन दैट यहाँ पे लो फ्यूल रिमाइंडर भी मिल जाता है। और ये है रियर डोर की लुक। सो यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है, बॉटल होल्डर स्पेस, ऑरेंज असेंट्स, एल्यूमिनेटेड पावर विंडो कंट्रोल्स एंड जो रियर पावर विंडो है वो कम्प्लीटली फोल्ड डाउन हो जाती है। यहाँ पे आपको चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक्स मिल जाएंगे, देन यहाँ पे कुशन आर्म रेस्ट एंड दोस्तों ये है रियर सीट्स। सो रियर सीट आप देखेंगे यहाँ पे दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दी गई है, सेंटर में आपको आर्म रेस्ट मिलती है विद ट्विन कप होल्डर स्पेस एंड यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा। सेंटर में यहाँ पे कैबिन लैम्प दिया गया है एंड फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट अवेलेबल है फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स। एंड यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडलिंग मिलेगा, एयर बैग दिए गए, कर्टेन एयर बैग। सो दोस्तों फोर्ड इकोस्पोर्ट XUV300 या किया सोनेट इन तीनों गाड़ियों में से आप कौन सी परचेज करना प्रेफर करेंगे एक बहुत ही सॉलिड रीज़न के साथ ज़रूर बताएँ।